Hello people, so this is Pallavi Joshi from her gym. Welcome to my YouTube channel by the name Life Pallavi and you. This is my office look, yes. This is my office look. I love wearing bindi, I don't know why people do not wear it. So, aajka episode is all about what to do and what not to do during the intermittent fasting. What to do and what not to do during the intermittent fasting. Achha, mujhe ek hafta ho chuka hai ki mera intermittent fasting khatam ho gaya hai. I do not see any weight gain and my abs are still pretty much the same. So I think is baar sustain zyada kiya mera intermittent fasting. Although maine zyada weight lose nahi kiya tha, but I concentrated on my abs and my body. So yeah, ek blueprint mujhe dena tha kya khana chahiye kya nahi khana chahiye. But before that, people who have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. Jin logo ne mere channel ko subscribe nahi kiya hai, please mere channel ko subscribe kar dijiye, share aur like kar dijiye. Acha, अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग में पहला रूल तो ये है, रूल क्या है मतलब ये सजेशन है मेरा कि जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो तो प्लीज़ इंश्योर करो कि आपका जो वर्कआउट का टाइम है वो थोड़ा सा खाने के बाद आए, ठीक है. सो दैट आप एम्प्टी स्टमक में मत करो क्योंकि वो थोड़ा सा वीकनेस फील होता है, जो मेरे केस में हुआ. दूसरी बात, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. ओके, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पिए ताकि आपको फुल लगे. जो आपका विंडो है खाने का, योर 8 आवर्स ऑफ विंडो ऑफ ईटिंग, प्लीज इंश्योर कि आप उसमें फाइबर वाला खाना खाएं. आप वेजिटेबल्स पूरे ले लें, आपको नट्स लेने हैं तो वो ले लें. एंड उसमें यू नो, डू नॉट ईट अ लॉट ऑफ फ्राइड फूड, बिकॉज फ्राइड फूड से क्या होता है ना, यू आर वर्किंग सो हार्ड, यू आर नॉट ईटिंग फॉर 16 आवर्स. आप 16 घंटे कुछ नहीं खा रहे हो और एक बार फ्राइड फूड आप ले लेते हो तो वो सब मेहनत एक बराबर हो जाती है. तो इसलिए फाइबर वाला खाना खाओ ताकि आपको आपका टमी जो है वो फुल फील हो आपको, ठीक है. सो यू कैन हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, यू कैन हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, यू कैन हैव क्या खा सकते हो आप, यू कैन हैव आप रोटी खा सकते हो, ठीक है. मल्टीग्रेन लोगे तो सबसे अच्छा है, ओट्स ले लो आप, पोहा ले लो आप. ओके, सो हैव, और जो लंच का मील होता है या एक मील जो होगा प्रॉपर खाएंगे, यू नो, हैव इस 8 आवर्स की विंडो में हैव एज मच गुड फूड दैट यू कैन हैव, हैव प्रोटीन्स इन दैट. ओके, तीसरी चीज जो थी बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज दैट हैव ब्लैक कॉफी, ट्राई एंड हैव ब्लैक कॉफी. ब्लैक कॉफी से क्या होता है ना, आपका वाटर रिटेंशन जो बॉडी में होता है वो काफी कम हो जाता है. सो दैट इज वाई ब्लैक कॉफी हेल्प्स यू, यू नो, टू एलिमिनेट दैट वाटर इन योर बॉडी एंड टू कीप योर बॉडी, यू नो, फिट. And it boosts up your energy. जो आपका 16 घंटे का विंडो है, this is the fourth, the 16-hour window that you have, please have the food which do not have calories at all. जैसे you can have green coffee if you want to. Okay, one more thing people used to say, और ये हमने भी सुना था कि green coffee जो होती है उससे it helps reducing weight, but over the time period ये स्टडी देखा गया है कि ग्रीन कॉफी इतना हेल्प नहीं करता है आपको. सो प्लीज़ अपने पैसे जो हैं ऐसी चीज़ों पे ना बर्बाद करें. इंस्टेड ऑफ इट आप घर से, यू नो, घर की चीज़ें आप यूज कर दीजिए ताकि वो आपको हेल्प करेंगी टू रिड्यूस वेट. ओके, सो हैव ब्लैक कॉफी एंड उसमें आप खा सकते हो, यू नो, यू कैन हैव ग्रीन टी इफ यू वॉन्ट टू, बट ट्राई टू कीप, यू नो, योर बॉडी एज गुड एज पॉसिबल. आफ्टर आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग, आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है जब खत्म हो जाता है तो उस समय बहुत ज़्यादा खाना अचानक से ना खाएं, अदरवाइज योर स्टमक इज गोना गेट अपसेट. डू नॉट ईट अ लॉट ऑफ फूड एंड यू नो, बिकॉज इट विल पुट योर हार्ड वर्क इन टू वेन. सो दैट्स अनदर थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू. ट्राई टू स्टिक अप टू योर स्केड्यूल. वॉट हैपन्स इज दैट लोगों को लगता है कि चलो यार मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ या मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ तो आई डू नॉट नीड टू वर्कआउट. ऐसा नहीं है, योर बॉडी विल गेट वेरी सटल. प्लीज 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 ट्राई एंड स्टिक टू योर वर्कआउट स्केड्यूल एज मच एज यू कैन, बिकॉज आई वॉज वर्किंग आउट फॉर एवरी डे. एक दिन मेरा मिस आउट हुआ था बिकॉज ऑफ माई किड्स एडमिशन. बाय द वे, माई किड हैज, यू नो, गॉट इन द एडमिशन, सो दैट्स अ गुड न्यूज. सो या, दीज आर 5 टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग में. अभी मैंने कुछ एपिसोड्स बनाए हैं ऑन व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, मतलब आपके रेगुलर फूड को हेल्दी फूड कैसे बनाएं, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं. सो आई बी लॉन्चिंग दैट एज वेल, बिकॉज आप एक्सपेंसिव फूड रोज के बेसिस पे नहीं खा सकते. सो या, इट्स बीन अ वीक ऑफ माई इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड सी माई एब्स आर स्टिल
intact, so I'm very happy about it. It is very important ki post ये सब जो भी आपके वर्कआउट्स होते हैं या आप कोई फास्टिंग करते हैं आप अपने जो डाइट को मेंटेन रखें. सो या दैट वाज ऑल अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग. इफ यू वांट एनी अदर थिंग आई एम देयर टू टेल यू बिकॉज आई हैव डन इट ट्वाइस. सो या आई एम गोना स्टार्ट डूइंग इट अगेन. मुझे फिर से करना है क्योंकि मेरा कुछ एक वर्क स्केड्यूल है उसकी वजह से मुझे करना पड़ेगा आगे. और सही है, इट डज हेल्प यू लूज वेट, इट डज हेल्प यू लूज वाटर वेट, इट डज गिव यू लीन मसल्स. सो या गो फॉर इट. This was all about intermittent fasting. People who have not subscribed to my channel, please do that. Please subscribe to my channel and give it a thumbs up. And it's still no makeup November. And what else? Until we meet again, stay fit, stay happy, and stay healthy.